रूस और यूक्रेन में जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। यूक्रेन के कई शहरों में संघर्ष जारी है और लगातार बमबारी हो रही है। जंग की वजह से 17 लाख से ज्यादा लोग यूक्रेन छोड़ चुके हैं। वहां फंसे भारतीयों को भी निकाला जा रहा है, लेकिन यूक्रेन के सुमी में अभी भी 700 भारतीय छात्र फंसे हुए हैं, जो निकलने का इंतजार कर रहे हैं। भारतीय छात्रों ने एक वीडियो शेयर कर अपनी आपबीती सुनाई। गौरतलब है कि रूस की सीमा से महज 60 किलोमीटर दूर सुमी में दोनों देशों की सेनाओं में भारी संघर्ष हो रहा है। बमबारी और गोलीबारी लगातार हो रही है। सरकार यहां फंसे भारतीयों को निकालने की कोशिश कर रही है, लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच जारी भीषण युद्ध की वजह से ऐसा नहीं हो पा रहा है। वहीं यहां फंसे नागरिकों को बाहर निकालने के लिए रूस की ओर से सीज फायर का ऐलान किया गया था। फंसे भारतीयों को निकालने के लिए बसें पहुंच चुकी थीं। घंटों इंतजार के बाद छात्र बस में सवार होने ही वाले थे कि तभी सीज फायर टूट गया और छात्रों को फिर से बंकरों में जाने की सलाह दी गई। वहीं इस मामले पर रूस के हमलों के बाद यूक्रेन में बिगड़ते हालात पर चिंता जताते हुए भारत ने मंगलवार को कहा कि आगामी मानवीय संकट पर फौरन ध्यान देना चाहिए। यूएनएससी की एक ब्रीफिंग में भारत के संयुक्त राष्ट्र के राजदूत टीएस त्रिमूर्ति ने युद्धग्रस्त देश में फंसे भारतीय नागरिकों के साथ सभी नागरिकों के लिए सुरक्षित मार्ग मुहैया कराने की मांग को दोहराया। उन्होंने कहा, भारत को इस बात की गहरी चिंता है कि रूस और यूक्रेन दोनों ही देशों से हमारे बार बार अपील के बावजूद सुमी में फंसे हमारे छात्रों के लिए सुरक्षित गलियारा नहीं बन पाया है। टीएस त्रिमूर्ति ने पीएम मोदी के रूस और यूक्रेन के राष्ट्रपति से की गई बातचीत को याद दिलाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों देशों के मुखियों से फिर से बात की थी और भारत के फौरन युद्ध विराम और दोनों देशों को बातचीत और कूटनीति के रास्ते पर लौटने की आवश्यकता को दोहराया था। बता दें कि रूस ने नागरिकों को निकालने के लिए सोमवार सुबह से संघर्ष विराम के साथ सुमी के साथ साथ कई इलाकों में मानवीय गलियारों को खोलने की बात कही थी। हालांकि रूस ने इसके बीच ही यूक्रेन के कई शहरों में हमला कर दिया, जिससे कई भारतीय छात्र वहां फंस गए हैं। आईएनएस रिपोर्ट।